आज का यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम इसके अंदर सीखने वाले हैं सबनेटिंग के बारे में और सिस्को पैकेट ट्रेसर पर हम इसका लाइव प्रैक्टिकल करके भी देखने वाले हैं और इसका स्टेप बाय स्टेप कम्प्लीटली हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और यदि आप सबनेटिंग कर रहे हैं तो आपको सबनेट मास्क, होस्ट आईडी, नेटवर्क आईडी और आईपी के कॉन्सेप्ट, जैसे कि व्हाट इज़ पब्लिक आईपी, व्हाट इज़ प्राइवेट आईपी, इन सब के कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए क्योंकि इन सभी का इसमें यूज होने वाला है सबनेटिंग में। तो यदि आपको इन सब के बारे में नहीं पता तो कोई बात नहीं, सबसे पहले हम इन सब के बारे में, जैसे कि सबनेट मास्क, होस्ट आईडी, नेटवर्क आईडी, इन सब के बारे में हम पहले कम्प्लीटली स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम सबनेटिंग पर चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आईपी के कॉन्सेप्ट से। तो सबसे पहले हम चलते हैं नोटपैड पर और अपने आईपी के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। तो आईपी क्या होता है? आईपी होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब बात करते हैं आईपी एड्रेस की। आईपी एड्रेस होता है दो टाइप का, एक होता है IPv4 और दूसरा होता है IPv6। अब है IPv4 की लेंथ क्या होती है, मतलब उसकी साइज क्या होती है। IPv4 की साइज होती है 32 बिट, ओके, और IPv6 होती है, उसकी साइज होती है 128 बिट। अब हम IPv4 और IPv6 के बारे में बात कर रहे हैं तो हम मैक एड्रेस के भी बारे में बात कर लेते हैं। मैक एड्रेस की साइज होती है 48 बिट, ओके। अब हम IPv4 और IPv6 में डिफरेंस देख लेते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस तो यही हो गया कि इसकी साइज होती है 32 बिट और इसकी साइज होती है 128 बिट, ओके। और दूसरी चीज, अगर हमारे को 32 बिट, जब हम IPv4 को अलग करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर IPv4 के एक एड्रेस लिख रहा हूँ तो इसको हम डॉट से अलग करते हैं, लेकिन जब मैं IPv6 को लिखता हूँ तो इसको हम कोलन से अलग करते हैं, कुछ इस टाइप से हम इनको कोलन से अलग करते हैं IPv6 को, ओके। IPv4 के अंदर हम ब्रॉडकास्ट बना सकते हैं लेकिन IPv6 के अंदर हम ब्रॉडकास्ट नहीं बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि IPv4 के अंदर होते हैं 12 हेडर, ओके, और IPv6 के अंदर होते हैं 8 हेडर। अब आपको हेडर के बारे में नहीं पता तो आप सिंपल सा गूगल कीजिए, आपको पता लग जाएगा क्योंकि हेडर का एक अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है। मैं आपको जितना सबनेटिंग में ज़रूरत होती है उतना आईपी एड्रेस और नेटवर्क आईडी, होस्ट आईडी, सबनेट मास्क, इन सब के बारे में बता दूंगा। अब हम बात करते हैं आईपी की क्लासेस के बारे में। आईपी की क्लासेस को टोटल 5 भागों में बांटा गया है, ए, बी, सी, डी और ई। अब इन सबको अलग अलग रेंज में बांटा गया है, जैसे कि तो सबसे पहली होती है हमारी ए क्लास की आईपी। ए क्लास को बांटा गया है 1 से लेकर 126 तक। तो ये 1 एक आईपी नहीं है, तो 1 को कैसे बांटा गया, 1.0.0 से लेकर 126.255 .255.255 तक होती है ए क्लास में आईपी। मतलब इन सब के बीच में जो भी आपकी आईपी आएगी, जैसे कि 10.0.0.1 आ गया, तो वो एक होती है एक ए क्लास की आईपी। इसके बाद आती है बी क्लास की आईपी। बी क्लास में क्या होता है, बी क्लास में आती है आपको 128 से लेकर 191 तक, ओके, ये होती है बी क्लास की आईपी। अब हमने, आपने सोचा होगा कि 127 तो आया ही नहीं, क्योंकि 127 होता है एक लोकल होस्ट, 127.0.0 होता है हमारा लोकल होस्ट, तो इसलिए हम उसको एक किसी भी क्लास में काउंट नहीं करते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे सी क्लास की आईपी के बारे में। सी क्लास की आईपी शुरू होती है 192 से लेकर 223 तक होती है हमारी सी क्लास की आईपी। अब बात करते हैं डी क्लास की आईपी की। डी क्लास की आईपी होती है 224 से शुरू होकर 239 तक, ओके। अब हम बात करते हैं ई क्लास की आईपी। ई क्लास की आईपी शुरू होती है 240 से लेकर 254 तक, ओके। तो ये होता है हमारा आईपी का कॉन्सेप्ट कि हमारी ए क्लास के अंदर 0 से लेकर 126 तक होती है और बी क्लास में होती है 128 से 191, सी क्लास में होती है 192 से 223 और डी क्लास में होती है 224 से लेकर 239 और ई क्लास में होती है 240 से 239। अब इनके अंदर एक और कॉन्सेप्ट आता है ए पीपा आईडी एड्रेस का। ए पीपा में एक स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है इसमें, ए पीपा आईपी एड्रेस है ना। ए पीपा आईपी एड्रेस कौन सा होता है, ए पीपा आईपी एड्रेस होता है 169.254.0.0 से लेकर 169.254.255.255 तक होता है हमारा ए पीपा एड्रेस। अब ए पीपा एड्रेस का मतलब क्या होता है कि जब आप DHCP में कनेक्शन करते हो और आपका DHCP आपके कंप्यूटर्स को आईपी नहीं दे पाता है तो वो एक ऑटोमेटिक ए पीपा आईडी दे देता है, तो वो होती है एक ए पीपा आईडी। और ये कहाँ तक, तो ये कौन सी क्लास में आती है, ये हमारी बी क्लास में आती है ए पीपा आईपी एड्रेस, ओके। अब हम बात करते हैं हमारे
प्राइवेट आईपी और पब्लिक आईपी के बारे में, प्राइवेट आईपी और पब्लिक आईपी के बारे में। हमारा जो प्राइवेट आईपी होता है उसको हम बोलते हैं कि एक नेटवर्क के अंदर आप कितनी भी आईपी दे सकते हो। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल से समझ में आएगा, जैसे कि हमारे पास एक नेटवर्क है 10.0.1 नाम से एक एड्रेस है, हमारे पास एक नेटवर्क है ये 10.0.0 और हमारा जो ये नेटवर्क है वो है 10.254.255.255 तक हमारा एक नेटवर्क है। तो आप इन रेंज के बीच में कोई भी आईपी दे सकते, जैसे कि 10.10.1 ले लिया और यहाँ से आपने लिख लिया 10.10, यहाँ से आपने नेटवर्क में आईपी दे दी 10.0.0.220, तो ये आपका हो गया प्राइवेट आईपी। ओके, तो ये हो गया आपके प्राइवेट आईपी का एड्रेस, मतलब विद इन अ नेटवर्क सेम आईपी वी आर यूज। ओके, कि हम एक नेटवर्क के अंदर कोई भी आईपी यूज कर सकते हैं, वो हो गई हमारी प्राइवेट आईपी। उसके बाद बात करते हैं पब्लिक आईपी। पब्लिक आईपी हमें देता है आईएसपी। आईएसपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जो आपको इंटरनेट देता है वो आपको देता है पब्लिक आईपी। ओके, तो हमारा ये कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर हो जाता है कि आईपी की क्लासेस कितनी होती है, आईपी क्या होती है, IPv4 क्या होती है, आईपी और IPv4 में क्या डिफरेंस होता है, और व्हाट इज पब्लिक आईपी, व्हाट इज प्राइवेट आईपी, इन सब के बारे में हमने अभी तक डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करते हैं नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी के बारे में। तो नेटवर्क आईडी क्या होती है कि कौन सा डिवाइस किस नेटवर्क में है वो हमें पता लगता है कि नेटवर्क की आईडी क्या है आपकी। और होस्ट आईडी क्या होती है, होस्ट आईडी होती है कि कितने होस्ट बना सकते हैं हम एक नेटवर्क में, उसके बारे में हम सीखने वाले हैं। कि नेटवर्क आईडी में जैसे कि आपका एक आईपी एड्रेस है, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि हमारा एक आईपी एड्रेस है 10.10.2.1, ये एक आईपी एड्रेस है। इसमें हमें पता करना है कि इसके अंदर कितने नेटवर्क हैं और कितने होस्ट हैं। तो ये एक क्लास की आईपी है ना, एक क्लास की आईपी है इसमें। तो इसके अंदर कितने नेटवर्क होंगे, इसके अंदर एक ही नेटवर्क होगा, इसके अंदर एक होगा नेटवर्क और तीन होंगे होस्ट, कुछ इस टाइप से। यदि आपकी बी क्लास की आईपी है तो उसके अंदर होंगे दो नेटवर्क होंगे और दो होंगे होस्ट। अगर आपकी सी क्लास की आईपी है, सी क्लास की आईपी होता है 1.1.1.1, मतलब कि इसके अंदर होंगे आपके तीन नेटवर्क और एक होगा होस्ट। यदि आपकी डी क्लास की आईपी है तो इसके अंदर होंगे चारों ही आपके नेटवर्क। ओके, तो आपको समझ में आया तो कोई बात नहीं, समझ में नहीं आया तो आपका ए क्लास की आईपी है उसके अंदर फर्स्ट होता है नेटवर्क, बाकी सब होते हैं होस्ट। ओके, कुछ इस टाइप से होते हैं बाकी सभी होस्ट। जो आपकी बी क्लास की आईपी होती है उसके अंदर होते हैं दो नेटवर्क और दो होस्ट। तो जैसा कि आप वन होता है वो इंडिकेट कर रहा है नेटवर्क को, और जो जीरो है वो इंडिकेट कर रहा है होस्ट को। समझ में आया कि नेटवर्क आईडी क्या होता है और होस्ट आईडी क्या होता है। अब हम बात करते हैं सबनेट मास्क की। सबनेट मास्क क्या होता है कि सबनेट मास्क की हेल्प से ही हम पता कर पाते हैं कि कौन सा पोर्ट नेटवर्क का है और कौन सा पोर्ट होस्ट का है। तो हमारा क्लास ए के लिए सबनेट मास्क क्या होता है, क्लास ए के लिए हमारा डिफॉल्ट सबनेट मास्क होता है 255.0.0। अब है क्लास बी के लिए हमारा सबनेट मास्क क्या होता है, क्लास बी के लिए हमारे पास सबनेट मास्क होता है 255.0.0.0। अब बात करते हैं क्लास सी के लिए, क्लास सी के लिए सबनेट मास्क होता है 255.255.255.0। अब क्लास डी के लिए क्या होता है, 255.255.255.255। तो ये एक ब्रॉडकास्ट आईपी हो जाती है। तो हम क्लास सी तक ही लेते हैं सबनेट मास्क को। ओके, अब हम बात करते हैं हमारे ब्रॉडकास्ट आईपी की। ब्रॉडकास्ट आईपी का मतलब क्या होता है, ब्रॉडकास्ट आईपी का मतलब ये हो गया कि एक आईपी को हम मैसेज भेजने के लिए एक नेटवर्क के लिए यूज कर सकते हैं, कि सभी के लिए एक आईपी का यूज करके उनको मैसेज पास करते हैं, तो वो हो गया हमारा ब्रॉडकास्ट आईपी। तो जैसे कि मैं एक आईपी एड्रेस देता हूं आपको 120.15.10.100, तो हमारा ये एक आईपी है। अब इसके अंदर कितने ब्रॉडकास्ट हैं वो हमें पता करना है। ब्रॉडकास्ट का मतलब किस आईपी का यूज करके हम उस नेटवर्क में उपस्थित सभी को मैसेज भेज सकते हैं। तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, 120.255.255.255। तो ये हो जाएगा हमारा ब्रॉडकास्ट आईपी इस आईपी के लिए। अब हमें पता कैसे लगा, पता लगाने के लिए आपको होगा कि इसके अंदर ये कौन से क्लास में आता है। ये हमारे एक क्लास की आईपी में आता है, 0 से लेकर 1 से लेकर 126 तक होता है ये हमारी एक क्लास की आईपी। और एक क्लास की आईपी में एक नेटवर्क होता है, तीन होता है होस्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1.0.0.0। तो ये हो गया एक
आपका नेटवर्क आईडी, तो जहां पर एक है वहां पर करना है आपको, यही नाम लिखना है वापस, जैसे कि 120 है तो वही, और आपको जहां पर 00 है वहां पर लिखना है आपको 125। तो जैसा कि मैं यहां पर एक एग्जांपल लेता है 192.168.5.2 लिख देता है, तो ये हमारे पास एक आईपी है। अब इसके अंदर हमारे को ब्रॉडकास्ट पता करना है, तो हम ब्रॉडकास्ट के लिए क्या लिखेंगे इसमें, तो ये हमारी सबसे पहले आपको ये देखना है कि इसका ब्रॉडकास्ट आईपी निकालना है, तो ये इसके अंदर कितने नेटवर्क हैं और कितने होस्ट हैं। तो ये हमारी कौन से क्लास में आती है, 192 हमारी आती है सी क्लास में। तो सी क्लास में हमने क्या दिया था, सी क्लास में हमारे तीन तो होते हैं नेटवर्क, ओके तीन होते हैं हमारे नेटवर्क और एक होता है हमारा होस्ट। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, जहाँ जहाँ नेटवर्क है वहाँ वहाँ हम एक जीटीज रख देंगे, और जो हमारे होस्ट हैं वहाँ पर कर देंगे हम 255। तो ये हो गई हमारी एक ब्रॉडकास्ट आईपी, ओके। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, IPv4 क्या होता है, IPv6 क्या होता है, पब्लिक आईपी क्या होता है, प्राइवेट आईपी क्या होता है, ए क्लास की आईपी, बी क्लास की आईपी, सी क्लास की आईपी, डी, ई, इन सब क्लास की आईपी के बारे में हमने सीख लिया है, और APPA आईपी एड्रेस क्या होता है, व्हाट इज नेटवर्क आईडी, व्हाट इज होस्ट आईडी, व्हाट इज ब्रॉडकास्ट आईडी, इन सब के बारे में हमने अभी तक कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करते हैं कि हमारे एक नेटवर्क में होस्ट आईडी कितने हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लेता है एक आईपी 180.168.10.100। तो ये हमारी एक आईपी एड्रेस है, इसके अंदर हमें पता करना है कि इसके अंदर कितने होस्ट हैं। तो ये कौन से रेंज की आईपी है, ये हमारे एक बी रेंज की आईपी है ना, बी रेंज की आईपी है। तो इसके अंदर कितने नेटवर्क होंगे और कितने होस्ट होंगे, तो बी रेंज की आईपी के अंदर आपके दो होंगे नेटवर्क और दो होंगे आपके होस्ट, कुछ इस टाइप से, दो होंगे आपके नेटवर्क और दो होंगे आपके होस्ट, ओके। तो अब मैं इसका ब्रॉडकास्ट आईपी क्या हो जाएगा मेरे लिए, 180.168.255.255। तो ये हो गई मेरी ब्रॉडकास्ट आईपी। अब आपको होस्ट आईडी निकालने के लिए क्या करना है, जहाँ जहाँ आपके ब्रॉडकास्ट में आप 255 कर रहे थे वहाँ वहाँ आपको कर देना है जीरो, कुछ इस टाइप से जीरो किया है। अब जीरो किया है तो एक होता है आईपी एड्रेस में 8 बिट का, कुछ इस टाइप से ये होता है आपका, और इसके अंदर करना है आपको 2 की पावर 8, 2 की पावर होती है 8, आपको ये करना है, क्योंकि जब 2 की पावर 8 होती है तो इन सब से मिलकर बनता है, तो 2 की पावर 8 होती है 256। तो यहाँ पर दो बार जीरो हैं, तो हम क्या करेंगे 2 की पावर 8 लिखेंगे दो बार, ओके। तो हमको करना है यहाँ पर है डॉट बीच में, तो गुणा में घाते जुड़ती है, तो इक्वल टू कितना हो गया 2 की पावर 16, है ना। तो 2 की पावर 16 और हमारे दो नेटवर्क हो जाएंगे कम, तो 2 की पावर 16 कितने हो गए, इन सबको मिलाकर आपके हो जाएंगे कुछ GIP, है ना। तो मैं इन सब का कैलकुलेशन करके पहले रखा है जिससे हमारा टाइम बच जाए, 65534 इतने हमारे होस्ट एड्रेस बन सकते हैं। तो ऐसे आपको निकालना है होस्ट एड्रेस, ओके। जैसे कि 2 की पावर 7 कितना होता है, आपको ये सब याद होना चाहिए, वैसे मेरे को याद है, जैसे कि 2 की पावर 7 होता है 128, है ना, और 2 की पावर 8 होता है 256। हमने अभी तक आईपी एड्रेस क्या होता है, IPv4 क्या होता है, IPv6 एड्रेस क्या होता है, होस्ट आईडी, नेटवर्क आईडी, सबनेट मास्क, पब्लिक आईपी, प्राइवेट आईपी, इन सब के बारे में हमने कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है। तो अब हम बात करते हैं सबनेटिंग की। सबनेटिंग में करने के लिए मैं इसको पहले क्लोज कर देता है और वापस, और सबनेटिंग की आपको डेफिनेशन बताता है। एक नेटवर्क को दो या दो से अधिक भागों में विभाजित करने की प्रक्रिया को बोलते हैं हम सबनेटिंग। समझ में आया, नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता है। जैसे कि सबनेटिंग की डेफिनेशन क्या है, एक नेटवर्क को दो या दो से अधिक भागों में विभाजित करने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं सबनेटिंग। तो जैसे कि मेरे पास एक राम नाम का बंदा है, मैंने उसको RAM1 और RAM2 में बांट दिया है, ओके। तो RAM1 और RAM2 मिलकर बन रहा है राम, तो ये हो गया एक सबनेटिंग। तो एक नेटवर्क को दो या दो से अधिक नेटवर्क में विभाजित करने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं सबनेटिंग। तो राम को बांट दिया मैंने RAM1 और RAM2 में, तो RAM1 और RAM2 दो नेटवर्क हैं, इन दोनों को मिलाने के बाद बनता है राम, तो ये हो गया एक सबनेट, सबनेटिंग। अब जो ये RAM1 और RAM2 को बांटा है हमने, ये बांटा है हमने सबनेट मास्क की हेल्प से। तो हमें सबनेट मास्क बताता है कि आपको कैसे बांटना है। तो सबनेट मास्क के बारे में हमने पहले भी बात की थी, तो हमारी ए क्लास के लिए सबनेट मास्क होता 255.0.0,
ओके। और जो बी क्लास होता है उसके लिए हमारा डिफॉल्ट सबनेट मास्क होता है 255.0.0.0, और जो सी क्लास का सबनेट मास्क होता है 255.255.255.0। और डी क्लास में हम सबनेट मास्क क्यों नहीं लेते, क्योंकि वो एक ब्रॉडकास्ट की आईपी बन जाता है। तो ये होता है सबनेट मास्क और ये होता है ब्रॉडकास्ट। ओके, अब हम सिस्को पैकेट ट्रेसर पर इसका एक लाइव एग्जांपल करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इन सब को क्लोज कर देता है यहाँ से। तो मैं यहाँ पर चलता है, सबसे पहले राउटर लेता है, राउटर के बाद स्विच लेगा और स्विच के बाद में पीसी लेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर नेटवर्क डिवाइस में जाकर यहाँ से राउटर ले लेता है। राउटर ले लेगा मैं एक 2811 सीरीज का एक राउटर। इसके बाद मैं लेगा यहाँ से स्विच, स्विच ले लेगा 2960 सीरीज के दो स्विच ले लेगा यहाँ पर कुछ इस टाइप से। एंड इसके बाद मैं लेगा पीसी। पीसी लेने के लिए एंड डिवाइसेस में आना है और यहाँ पर आकर मैं कर लेता है दो पीसी को यहाँ पर सेलेक्ट और दो पीसी को यहाँ पर सेलेक्ट। ओके, और इसके बाद मैं यहाँ पर कनेक्शन में जाकर ऑटोमेटिक केबल की हेल्प से इन सब में कनेक्शन कर देगा, पीसी जीरो से स्विच में और पीसी वन से भी स्विच में। ओके, एंड यहाँ से मैं पीसी टू से केबल सेलेक्टेड है एंड पीसी टू से स्विच में एंड पीसी थ्री से भी स्विच में। ओके, और मैं यहाँ पर राउटर में कनेक्शन करेगा कुछ इस टाइप से। ओके, आपको अभी तक कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि क्या दिक्कत है। इसके बाद यहाँ पर चलना है आपको कुछ इस टाइप से। देन मैं यहाँ पर थोड़ा ऊपर की साइड लिख लेता है जिससे हमारे को अभी लेबलिंग करने में इजी रहेगा। तो अब इनके लिए हम करते हैं लेबलिंग। लेबलिंग के लिए मैं इसको आईपी एड्रेस देगा, जो हमारा ये फर्स्ट पीसी जीरो है इसको मैं आईपी एड्रेस देगा 192.168.10 रेंज की आईपी ले लेता है मैं। ओके, 10.1। और पीसी वन के लिए मैं ले लेगा 192.168.10.2। ओके, और पीसी जो हमारा राउटर है, राउटर के लिए मैं डिफॉल्ट आईडी देगा 192.168.1.10.3 इस केबल के लिए, है ना। अब मैं बात करता है इस केबल के लिए। इस केबल के लिए हम बाद में देंगे आईपी एड्रेस। अब बात करते हैं पीसी टू की। पीसी टू को मैं आईपी एड्रेस देगा 192.168.10.129। आपको 129 मैंने क्यों दिया है ये कॉन्सेप्ट आपको पता लग जाना चाहिए, क्योंकि सबनेटिंग में मैंने आपको बताया था कि उसके लिए हम यूज़ करेंगे 1 से लेकर 126 तक हमारा एक सबनेट 0, और 129 से लेकर 1254 तक हमारा हो जाएगा दूसरा सबनेट, क्योंकि हमारे को दो माइनस करना होता है दो डिवाइस। ओके, उसके लिए हम नहीं ले सकते 128 को और 255 को। समझ में आया यहाँ पर कॉन्सेप्ट। और जब मैं दूसरे को लेगा, दूसरे के लिए आईपी लगेगा यहाँ पर 192.168.10.130 लिखना है भाई यहाँ पे। ओके, 130। ओके, और यहाँ पर जो मैं आईपी की कॉन्फ़िगरेशन कर लेता है साथ साथ में अच्छा रहेगा। कॉन्फ़िग में डेस्कटॉप पर चलना है और यहाँ पर आपको आईपी एड्रेस देना है 192.168.10.1। ओके, और सबनेट मास्क हमारा ये होगा, लेकिन हमारा तो सबनेट मास्क 128 है, क्योंकि हमारा जो दूसरा पीसी का एंड डिवाइसेस है वो 128 तक होगा। तो 128 हो गया यहाँ पर हमारा डिफ़ॉल्ट गेटवे हमारा सर्वर का एड्रेस हो जाएगा 192.168.10.3। ओके, यहाँ तक हमारी ये कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब बात करते हैं पीसी वन की। पीसी वन के डेस्कटॉप पर चलना है, आईपी कॉन्फ़िगरेशन और IPv4 एड्रेस 192.168.10.2, और इसका सबनेट मास्क हो जाएगा 128 पीछे, क्योंकि हमारा एंड डिवाइसेस होगा 128। ओके, डिफ़ॉल्ट गेटवे मेरा राउटर का एड्रेस 192.168.10.3। ओके, एंड यहाँ पर मैं इसको क्लोज करता है। इसके बाद चलता है राउटर की कॉन्फ़िगरेशन करता है। तो पीसी जीरो है यहाँ पर, आप देख रहे होंगे। आजा भाई, वेट, हम इसको क्लोज करते हैं और यहाँ पर देखते हैं आया नहीं था। हमें केबल का पता नहीं है कि यहाँ पर। ओके, परफेक्ट, पीसी जीरो जीरो केबल हमारी ये है। तो हम यहाँ पर चलते हैं फास्ट इथरनेट पर और यहाँ पर करेगा 192.168. ओके, दिस इज इनवैलिड आईपी एड्रेस। रुक जा भाई, करने दे मेरे को अभी 192.168.10.3। ओके, और जो सबनेट मास्क होगा वो होगा मेरा 128। आपको ये 128 वाला लॉजिक समझ में आना चाहिए कि 2^7 होती है 128, है ना। तो 250 में से 128 को निकालते हैं तो कितना हो गया, पीछे बचता है
पीछे बचता है 128 बचता है, तो 1 से लेकर 126 तक हो गया हमारा एक सबनेट मास्क, है ना। दूसरा हो गया 129 से लेकर 254 तक, 254 तक मतलब 128 और 255 हो गया हमारा दो पीसी हमारे को छोड़ने होते हैं, दो एड्रेस हमारे को छोड़ने होते हैं, तो वो हमने छोड़ दिए। एक तो हो गया 128 और दूसरा हो गया 255, ओके। इसलिए हमने यहाँ पर लिया है 128, है ना। तो मैं इसको ऑन करता है, इसके बाद मैं दूसरे वाले को क्या आईपी देगा, दूसरे वाले को आईपी देगा, यहाँ पर मैं कितना लिया 129 और 130, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा 131, है ना, 192.168.10.131, परफेक्ट 131। और जो मेरा सबनेट मास्क होगा वो सबनेट मास्क होगा 128, है ना। मैं इसको लेबलिंग भी दे देता है साथ साथ में कि जो मेरा यहाँ पर आईपी एड्रेस है वो है 192.168.10.131, ओके ओके, परफेक्ट परफेक्ट। और उसके बाद हम चलते हैं इस पर PC2 पर, PC2 की कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। PC2 की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर हो जाएगी 192.168.10.129, ओके। और जो सबनेट मास्क वो हो जाएगा आपका 128, ओके। और जो डिफ़ॉल्ट गेटवे मेरा राउटर का एड्रेस है 192.168.10.131। और जो मैं इसको क्लोज करता है और PC3 पर चलता है, PC3 पर डेस्कटॉप पर आईपी कॉन्फ़िगरेशन, एंड जो IPv4 एड्रेस हो जाएगा मेरा 192.168. यहाँ पर हो जाएगा 10.130, ओके। और जो सबनेट मास्क होगा वो होगा मेरा 128 हो जाएगा। और जो मेरा डिफ़ॉल्ट गेटवे मतलब मेरा राउटर का एड्रेस हो जाएगा मेरा 192.168.10.131। तो ये हो गई हमारी कॉन्फ़िगरेशन सबनेटिंग के लिए जो हम सिस्को पैकेट ट्रेसर में देख रहे हैं। अब हम मैसेज भेज के देखते हैं कि एक पीसी से दूसरे पीसी में, पहली बार मैसेज हमेशा फेल ही होता है, तो यहाँ पर ये इन प्रोग्रेस चल रहा है, फेल्ड हो गया, परफेक्ट ब्रो। उसके बाद हम चलते हैं PC1 में, PC1 से PC3 में मैसेज भेजता है, तो ये सक्सेसफुल हो चुका है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि हमारा पहला मैसेज फेल हुआ है, ये मोस्टली फेल ही होता है ना। तो अब दूसरा मैसेज सक्सेसफुल हो गया है, तो हम और भी मैसेज भेज को दिखाता है मैं आपको PC3 से PC0 में, और यहाँ पर ये फेल्ड हो चुका है, ओके। मैं PC3 से PC1 में मैसेज भेजता है, तो ये सक्सेसफुल हो चुका है। और इन्हीं को मैं सिमुलेशन में करके दिखाता है आपको कि कैसे ये सभी हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑन किया है, तो ये देखिए हमारे पैकेट कैसे जाते हैं वो सभी यहाँ पर बता रहे हैं। तो मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड करता है कुछ इस टाइप से, एंड रियल टाइम में करता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मेरे जितने भी मैसेज थे वो यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुके हैं। तो वो पहले ट्रैफिक रहता है तो इससे वो फेल्ड बता देता है, तो आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी। तो ऐसे हमने आज बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं एक साथ, जैसे कि सबनेटिंग, सबनेट मास्क, होस्ट आईडी, नेटवर्क आईडी, आईपी के कॉन्सेप्ट, पब्लिक आईपी, प्राइवेट आईपी, इन सब के बारे में आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन इज हियर टू राइट नाउ योर कमेंट। और इससे पहले हम एक चीज़ और जान लेते हैं कि हम एक पिंग करके भी देखते हैं कमांड को। हम कमांड प्रॉम्प्ट में चलते हैं और यहाँ पर लिखते हैं कमांड पिंग, और जो हमारा ये आईपी एड्रेस है 192.168.10.129, है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि अभी पिंग हो रहा है, ओके, होने दो, थोड़ा टाइम लेता है, ये फर्स्ट बार फेल भी हो जाता है, ओके ब्रो, होने दो, ओके, फर्स्ट बार फेल हो गया। हम दूसरी बार देखते हैं पिंग 129, तो ये देखिए ये सक्सेसफुली पिंग हो गया है। तो इस प्रकार होता है आपके सबनेटिंग, है ना, कि एक नेटवर्क को दो या दो से अधिक भागों में कैसे विभाजित कर सकते हैं हम। तो वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और नए और मज़ेदार वीडियो के साथ में।